सो फ्रेंड्स, डलहौजी और खजियार का जो व्लॉग था वो हमने मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो उसका मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके अपना व्लॉग देख सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने सेपरेट वीडियो शूट किया है, और इस वीडियो में जो डलहौजी की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है मुंगाज, तो उसमें हमारा स्टे था और हमने जो रूम बुक किया था वो सुपीरियर रूम विथ वैली व्यू किया था, तो वो रूम टाइप भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरा जो ये रिजॉर्ट है उसका मैं पूरा ग्लिम्स दिखाऊंगा कि इनका रेस्टोरेंट कैसा है, इनका फूड कैसा है, एवरीथिंग मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप डलहौजी आ रहे हैं या खजियार आ रहे हैं तो डलहौजी में आप स्टे कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग अभी डलहौजी या खजियार का प्लान कर रहे हैं वो उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंड्स, कि अगर आपको कुछ जानना है वो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है कि मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ अच्छा अच्छी भी अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक आप देखिएगा। सो आपको मैं ग्लिम्प्स दिखाता हूँ पूरा रिजॉर्ट का। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव कम फ्रॉम योर ओन व्हीकल, सो आपको यहाँ पे पार्किंग की कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ स्पेस है, आप अपनी गाड़ी आराम से यहाँ पार्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, लेट्स टेक अ टूर ऑफ रिसेप्शन एरिया। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया है, जैसे ही आप ऊपर रोड से जैसे ही आप होटल में इंटर करेंगे, सो नीचे साइड में इनका एक रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी है यहाँ पे, और शाम के वक्त जो लाइटिंग है उसके साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही सूदिंग है ये। आप यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ भी बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया है, और बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, बहुत ही प्यारा डिकोर है, मतलब जितने भी मैं जितना भी वीडियो में आपको दिख रहा होगा उससे काफ़ी अच्छा ये सामने से देखने में लगता है। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया था, और ये जो आपको दिख रहा है वीडियो में, ये सारे रूम टाइप्स हैं, अलग अलग रूम टाइप्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो रूम है वो सुपीरियर रूम विथ वैली व्यू, ये हमारा टाइप है, तो ये हमारा रूम का टाइप है। अब चलते हैं हम आगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, अब एक क्विक टूर कराता हूं मैं आपको रूम का। तो जैसे ही रूम में इंटर करेंगे आप, तो वुडन कैबिनेट आपको इन फ्रंट में ही मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं एक सोफ़ा टेबल भी रखा हुआ है, कंफर्टेबल बेड है, टीवी है रूम के अंदर, और जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है इसका, जो वैली का पूरा कंप्लीट व्यू मिलता है आपको, वो देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो जितना आपको दिख रहा है वीडियो में उससे ज़्यादा सूदिंग ये सामने से लगता है, और हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है इस जगह पे, हम अपना कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, अपना चाय भी इंजॉय करते थे, तो आप भी यहाँ पे आके काफ़ी समय अपना इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही वीडियो में कि यहाँ पे दो चेयर और टेबल ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे काफ़ी समय इंजॉय कर सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट इनफैक्ट इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और आप रूम के अंदर अगर हम चलेंगे तो एक आपको मैं ग्लिम्स दिखा देता हूँ वॉशरूम का भी। तो वॉशरूम में जो भी सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी रखी हुई हैं, चाहे वो बाथिंग इसेंशियल हो या फिर आपका डेंटल किट एंड अदर इसेंशियल्स हो। सो दोस्तों, जो मुंगाज का एक एरिया है, ओपन डाइनिंग एरिया है, उसका मैं एक बार आपको टूर करा देता हूँ। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लाइटिंग है यहाँ पे, यही दूर से जो दिख रहा है आपको, यही इनका ओपन डाइनिंग एरिया है। सो अभी चलते हैं ओपन डाइनिंग एरिया की तरफ, और पूरा एक टूर करते हैं हम ओपन डाइनिंग एरिया इनका दिखता कैसे है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्टोरेंट का साइन ऑलरेडी मेंशनड है, तो ये हम यहाँ पे छोटी सी सीढ़ी है उससे हम ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे ही ऊपर आते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सुंदर सा सेटिंग है यहाँ पे, वाइट चेयर एंड वाइट टेबल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपना डिनर इन्जॉय कर सकते हैं। और यहीं पे इनका पास में ही एक कैफ़े है जिसका नाम है द लिटिल कप कैफ़े, तो ये इनका कॉफ़ी हाउस आप बोल सकते हैं, उस टाइप का एक छोटा सा इनका इन हाउस स्टोर है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा डेकोर है, तो यहाँ पे भी आप अपना टाइम इन्जॉय कर सकते हैं, आपको पेस्ट्री और कॉफ़ी इन्जॉय करना है तो यहाँ पे वो इन्जॉय कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर यहाँ आप स्टे करते हैं तो इस ओपन एरिया में आप अपना डिनर इन्जॉय करें। इसके अलावा इनका एक और रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस भी है, जो बाहर से भी लोग उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आते हैं, तो उसका भी मैं टूर आपको कराऊंगा। ये आप देख सकते हो इनका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम जो है वो डाइनिंग हट रेस्टोरेंट। तो डाइनिंग हट रेस्टोरेंट में लोग बाहर से भी आते हैं और इन हाउस गेस्ट के लिए तो हैं ही, तो हम जो है अपना डिनर आज डाइनिंग हट रेस्टोरेंट में ही इन्जॉय करेंगे। तो मैं आपको ऊपर अभी ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि इनका डाइनिंग हट रेस्टोरेंट जो है वो कैसा है। तो चलते हैं अब इनके डाइनिंग हट रेस्टोरेंट की तरफ।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका कॉस्टिंग जानना है कि जो मैंने रूम बुक किया है और अदर रूम टाइप्स के भी कॉस्टिंग जानने हैं, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या प्राइस है। और वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी है उसके बारे में भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो, तो सारी चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करूँगा फ्रेंड्स। सो ये इनका डाइनिंग हट रेस्टोरेंट है, तो बहुत ही प्यारा डेकोर, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। और इनका जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है इस डाइनिंग हट रेस्टोरेंट का, कि जब आप बाहर जाएंगे इसके बालकनी में, तो पूरा जो डलहौजी का व्यू है वो आपको दिखेगा, पूरी वैली व्यू, पूरा डलहौजी सिटी, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम द बालकनी। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इसीलिए लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पे अपना डिनर या ब्रेकफास्ट करना। तो इनका इन हाउस ये जो डाइनिंग रेस्टोरेंट है बहुत फेमस है, तो आप भी जब आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो यहाँ पे ही डिनर या ब्रेकफास्ट अपना इन्जॉय करें फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का एक बार मैं व्यू दिखा दूं, क्योंकि मैंने आपके वीडियो के जो पहले हिस्से में देखा था, जो पहले पार्ट में, वो थोड़ा सा नाइट का व्यू था, तो मैंने एक बार सोचा कि मॉर्निंग में भी शूट करके आपको दिखा दूं कि कैसा दिखता है मॉर्निंग में ये रेस्टोरेंट जो है। तो यही वो एरिया है जो ओपन डाइनिंग एरिया था, तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ये देखा होगा। उसके अलावा मैंने इसलिए ये शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाना है कि ब्रेकफास्ट में यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो इसीलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको पूरा जो डाइनिंग हट रेस्टोरेंट है वहीं पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो वहाँ आपको पूरा मेन्यू दिखाऊंगा कि इनके ब्रेकफास्ट में है क्या। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आप पूरा देखना वीडियो में, इसी तरीके से बने रहो, आपको बहुत सारी जानकारी मैं इस पूरे रिजॉर्ट के बारे में दूंगा। सो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर, दो तीन तरीके के फ्रूट्स हैं, रेडीमेड कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क हैं, जूसेस हैं, जूसेस के ऑप्शन हैं दो तीन, उसके अलावा छोले भटूरे हैं आप देख सकते हो, और इनफैक्ट टेस्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये किया है। आप देख सकते हो मसाला डोसा भी है यहाँ पे, मिक्स भजिया और ब्रेड सैंडविच, वेज सैंडविच, एंड कुछ केक के भी ऑप्शन हैं। सो काफ़ी रेंज है इनके पास ब्रेकफास्ट का, और ऑन द टेबल आप बॉयल्ड एग एंड ऑमलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपने रात में भी दिखाया था, मैं आपको मॉर्निंग में भी दिखा दूं, कितना प्यारा वैली का व्यू आता है यहाँ से। तो ये जो है ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इतने अच्छे व्यू के साथ आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, बहुत ही प्यारा है, मतलब वर्थ इट है यहाँ पे स्टे करना। तो कभी भी आप आते हैं डलहौजी तो यहाँ पे ही स्टे करें फ्रेंड्स। कोई ये पेड वीडियो नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो रिसेप्शन एरिया है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है, तो मैं अब आगे नहीं दिखाऊंगा मैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने कोशिश की मैंने कि पूरा जो मोंगाज रिजॉर्ट है उसका पूरा ग्लिम्स दिखा सकूं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप डलहौजी आ रहे हैं, इस रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं, तो आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी कि रिजॉर्ट में खाना कैसा है, रूम कैसा है एंड एवरीथिंग। सो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।